शेखे रिकंडा दिखाइए उनको, वहां भी ऐसे भला कब सुधरने वाले हैं, वहां भी ऐसे भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहु। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। सामिन इकराम, ये आपको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा फ्रंट पर, ये वहाबियों की अहले हदीसों की जो नाम निहाद अहले हदीस जमात है ना, उन्होंने बनाया। उन्होंने एक दावा किया कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीन का हिस्सा या दीन साबित करने पर 10 लाख का इनाम देंगे। अब उसमें इन जाहिलों ने अपने नंबर डाले। अब इस ताल्लुक़ से देखिए, मैंने सबसे पहले इसके बहुत बड़े तुर्रम खान, बहुत बड़े मुनाजिर कहे जाने वाले मोहम्मद रज़ा वहाबी सल्फ़ी को हमारे एक भाई ने मुझको लाइन पे लेकर के कॉल लगाई, क्योंकि ये पोस्टर उन्होंने उस बेचारे के इनबॉक्स में डाला व्हाट्सएप पे। तो उस भाई ने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा कौन है, लाइन पे ले लो। तो देखिए, जैसे ही मेरी आवाज़ को इनके मुनाजिरे ने सुना, ऐसे भागा गालियां बककर, ऐसे भागा कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे। तो पहले तो आप इसको सुनिए कि ये कैसे भागा, फिर आगे चलते हैं। The person you are speaking with has put your call on hold. प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी जी हेलो हेलो जी कौन सा एक मिनट जी व्यक्ति संगे आपने कथा बोलछेन तिनि आपनार कॉलटी होल्डे रेखेछेन अनुग्रह करे लाइने थाकुन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर जी बात करें। हेलो 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 हाँ भाई, कौन? जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। तो मैं लड्डू बांटू, बदतमीजी शुरू हो गया। नाम सुनते ही बौखला गया। अबे मेरा नाम ही वो ब्रांड है कि पूरे वाहबियत में जलजला आ जाता है। मैंने कहा ना तुमको कि दुनिया दे वहाबियत में ऐसा किसी माने हलाली बच्चा नहीं पाया, मेरा नाम सुन के वो घबरा ना जाए। तू ब्रांड नहीं, तू रांड है, रांड आपा। मैं कह रहा हूँ तेरे अंदर दमखम है तो दिल्ली में मुझसे मुलाकात कर ले। तू दिल्ली में सामने बैठ जा मेरे, है तेरे में दमखम मोहम्मद रजा? ए भागा फोन काट के जी। मैं कहता हूँ ना, दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया, मेरा नाम सुन के वो भागे ना। वो उठाएगा नहीं, अब मेरी आवाज सुन ली ना उसने, ये मोहम्मद रजा दिल्ली का है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि तू दिल्ली में जहाँ पर भी है मुझे बुला ले, मैं तेरे सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, जो मौजू पे चाहे उस पर बात कर ले। ये मिलादुन नबी पे तो इसकी बहुत पहले मैंने बैंड बजाई हुई है, मिलादुन नबी पे तो अभी तक भागा हुआ है मुझसे ये। रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब पर डली हुई है, सुनो इन लोगों की, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। इन लोगों के पूरी जुर्रियत ने मुझको चैलेंज किया था 5 तारीख को दिल्ली में मुनाजरे का, समझे? हेलो, मैंने इनकी पूरी जुर्रियत का चैलेंज एक्सेप्ट किया था, उसके बाद ये लोग मुनाजरे से मुझसे भागे। और इन्होंने क्या किया कि जब मैं इनके जमीयतुल अहले हदीस गया और वहां से मैंने बोला कि भाई आपके ये जो लोग हैं ये मुझसे मुनाजरा करने के लिए बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के ऊपर उन्होंने फतवा बहस किया इन्हीं के जमीयतुल अहले हदीस के। फतवा मौजूद है मेरे पास, फतवा ये लिखा कि हम इनको नहीं जानते और ये लोग कौन है, इनका जमीयतुल अहले हदीस से कोई लेना देना नहीं है। तो सामिन इकराम, आपने देखा ये पहला नमूना था। अब चलते हैं दूसरे नमूने की तरफ कि वो मेरा फोन उठाता है और देखिए किस तरीके से बड़बड़ करना शुरू कर देता है। हेलो, हाँ अब्दुल बाशिर साहब। हेलो अब्दुल बाशिर साहब। हाँ हाँ अब्दुल बाशिर साहब, ये दीन किसको कहते हैं, दीन की तारीफ क्या होती है? रात में बात कर रहा था मैं। क्यों, अभी कहाँ हो, कोठे पे बैठे हो क्या?
भागा था इनमें गैप पे, भूल गया क्या रे भागा उड़ा साला। अबे वो तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, इनमें गैप पे भागा था 12 में। चलो 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 जल्दी 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 रात में बात करना, रात दिन की तारीफ, दिन की तारीफ, भागना नहीं भागना नहीं, लुगत अल अरबिया ला भागा नहीं भागना नहीं भागना नहीं, تكلم في لغه العربيه। इसके सामने इग्राम ये वहाबी का बच्चा है, इसने एक पोस्टर निकाला है कि 10 लाख का इनाम दूंगा के मिलादुन नबी को दीन साबित कर दो, तो मैं इससे दीन की तारीफ पूछा तो देखो कैसे बड़बड़ा रहा है। मैं कहता हूँ ना वहाबियत में किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा नहीं किया, मेरा नाम सुन के बड़बड़ाए ना। पिछवाड़े में जमीन नहीं था जो इल्मे गैब बात कर सका उस दिन। इल्मे गैब पर तेरी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है, तूने कहाँ डाली मेरी रिकॉर्डिंग, तूने मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ डाली, तो रात में बात कर लेना। अभी क्या हो गया, तुम लोग रात को 1:30-2 बजे झुंड बना बना करके आते हो, बात करना तेरे अंदर। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, हाल उधेड़ूंगा, अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया। तो देखिए सामने इकराम जज्बात में इन्होंने जो पोस्टर को शाया कर दिया, अब देखिए कैसे भाग रहे हैं बात करने से। अब ये दूसरा नमूना भागा, अब आएगा तीसरा नमूना, अब इसकी सुनिए। जैसे ही मेरा कॉल उठाया वैसे ही बड़बड़ाना चालू, सुनिए रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो हेलो जमशेद अली फादर ही बोल रहे हैं तू? आदिल साहब बोल रहे हैं तू? हाँ बेटा चलो दीन की तारीफ करो, दीन क्या है उसको बताओ जरा। दीन की तारीफ करो, तुमने बोला ना दीन का हिस्सा साबित करो मिलादुन नबी, तो दीन की तारीफ करो ना, दीन क्या है बताओ पहले। नबी अलैहि सलातो सलाम को जो शरीयत मिली है, अगर वो शरीयत, हाँ जो शरीयत और दीन, शरीयत और दीन दोनों एक है। अरे मैं बता रहा हूँ सुन के, शरीयत और दीन दोनों एक है या अलग अलग है? चलो चलो ईद मिलादुन नबी को पूरा अपना दावा पेश करो। सामी निगराम देखिए जाहिल को पोस्टर बनाया है कि मिलादुन नबी को दीन का हिस्सा साबित करो, 10 लाख का इनाम दूंगा, और इसको खुद नहीं पता कि दीन है क्या। बताऊंगा ना दीन क्या है क्या, बताओ बताओ बताओ। अभी तुमने दीन का, दोनों दीन बोला, पहले दीन की तारीफ करो, दीन की तारीफ करो कुरान हदीस से। अगर तुमको दीन की तारीफ नहीं मालूम तो जब मैं मिलादुन नबी साबित करूंगा तो तुमको कैसे पता लगेगा दीन क्या है। तारीफ करो ना, दीन करो, करो दीन की तारीफ करो, करो तुम, करो तुम करूंगा ना, करूंगा ना, साबित करो ना। अबे आता होगा तब तो करेगा जाहिल मौलवी। अरे जाहिल मौलवी मेरे जाहिल, सामी निगरान देख लीजिए दीन की तारीफ कर रहा है कि शरीयत जो हुजूर को मिली, जाहिल का बच्चा देखे बोल के फंस गया है, कहता है हुजूर को जो शरीयत मिली, शरीयत और दीन एक है। अरे दीन साबित कर तो, शरीयत और दीन एक है, दीन साबित कर, पहले दीन की तारीफ तो कर, दीन साबित कर तो। मैं दीन साबित करूंगा, साबित करना, मैं दीन की, दीन भी साबित करूंगा, दीन का हिस्सा भी साबित करूंगा, तू पहले दीन की तारीफ कर दे। अल्लाह की कसम अगर तूने दीन की तारीफ कर दी ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जो तू बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज दिन की तारीफ में मांगेगा कहाँ से तारीफ किया ना ये बोलेगा। तो तुम जाहिलों को नहीं पता दिन की तारीफ कुरान हदीस में कहाँ है, तारीफ नहीं दिन की कुरान हदीस में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज दिन मुकम्मल हो गया, आज दिन मुकम्मल हो गया, तो दिन क्या है, दिन क्या है, दिन की तारीफ तो कुरान हदीस। बताओ 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 बिल्कुल दीन क्या है। अगर तारीफ नहीं करेगा तो फिर ये आयत झूठी हो जाएगी ना बे जाहिल, दीन मुकम्मल हो गया, वो दीन साबित करना। सुन मेरी बात सुन, सुन आराम से बात कर, सुन सुन सुन, घबरा घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तेरे बड़े बड़े मेरे सामने घबराते हैं, तू भी घबरा रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बात किया हूँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। कुरान की आयत है कि आज दीन तुम पर मुकम्मल हो गया, तो वो दीन है क्या, दीन मुकम्मल हो गया जो, वो दीन है क्या, नबी अलैहिस्सलाम ने जो कर दिया, क्या करा, क्या 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 करके बताया, क्या 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 हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया जो बताओ, अल्लाह के फरमान जो बताया, ये चीज कहाँ लिखा है, कहाँ 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 दीन की तारीफ कहाँ लिखी है। देखिए सामी निगराम जाहिल के बच्चे को दीन की तारीफ नहीं मालूम और मिलादुन नबी के ताल्लुक से लिखता है कि दीन साबित करने में 10 लाख का इनाम, तो इसको दीन की तारीफ ही नहीं पता दीन है क्या, तो मैं कैसे साबित करूँ। इसीलिए कहता हूँ बेटा जमशेद अली कादरी के सामने अच्छे अच्छे वहाबियों का पातलून ढीला हो जाता है। मैं करता हूँ चलो दीन की तारीफ करो। इलाही तारीफ है, दीन वो पैगाम हिदायत नामा और हुक्म नामा है, जैसे अल्लाह ताला ने पैगम्बर के जरिए इंसानों की हिदायत, कायनात, खुदा और इंसान के माबैन सही रिश्ते की निशानी
कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये दिन की तारीफ? कहाँ लिखा है तेरे मन से? तू क्या ठेकेदार है दिन का? ठेकेदार है दिन का? लेकिन सामी निगराम कहता है किसी का मुकल्लिद नहीं है, अपने मन से कर रहा है। हाँ तो हम तो मुस्तहिद मान लेना मेरे को। अच्छा अच्छा आप मुस्तहिद हैं? अच्छा सुनिए 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 सुनिए, आपके घर का फतवा है, आपके घर का फतवा है कि जो गैर मुस्तहिद अपने आप को मुस्तहिद कहता है वो जाहिलों में से एक जाहिल है। दीन साबित कर। आपके घर का फतवा है फतवा नजीरिया के अंदर कि जो गैर मुस्तहिद अपने आप को मुस्तहिद कहेगा वो जाहिल है। मैं घर का फतवा नहीं मानता ना, अबे जाहिल। चलो दिन की तारीफ करो। दिन की तारीफ कर दिया, दोबारा करो, जल्दी करो, दोबारा करूं? हाँ हाँ, ये दिन की तारीफ नहीं है, दिन की तारीफ मेरे नबी ने करके बताई है हदीस में। क्या है क्या है क्या है? मेरे नबी ने हदीस में करके बताई है। क्या है क्या है क्या है? तो जब तुमको दिन की तारीफ नहीं मालूम। अच्छा दूसरी चीज कि जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत होती है कि नहीं? जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है कि नहीं? तारीफ क्या है? मैं कह रहा हूँ अदिल अदिल, हंसने से कुछ नहीं होगा, हंसने से तेरी जहालत नहीं छुप जाएगी। जो झूठ बोलता है शख्स उस पर अल्लाह की लानत है या नहीं? सुनना अदिल, जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है कि नहीं? जो झूठ बोलता उस पर अल्लाह की लानत होती है कि नहीं? अगर मेरी तारीफ गलत है तो बता अपने उलमा वगैरह दिखा दे। हाँ गलत है तेरी तारीफ, बिल्कुल सिरे से गलत है। कैसे गलत है? साबित कर। तू साबित, मैं साबित करूंगा, लेकिन मैं तुझको एक और मौका दे रहा हूँ। तूने जो झूठ बोला है, सुन तूने जो झूठ बोला है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर के आए वो दीन की तारीफ है। नहीं नहीं, मैं हम तो वो बताया जो शरीयत लेके आए। हाँ शरीयत लेके आए। शुरू में तूने क्या बोला? शुरू में तूने क्या बोला? हुजूर जो शरीयत को मिली वो दीन की तारीफ है। मैं तेरे को पूरा मौका दे रहा हूँ ठीक है? अब मैं तेरे अपनी जालत पर मैं तेरे पूरा मौका दे रहा हूँ ठीक है? अबे जाहिलों की जमात, एलू लगी डाइपर। चल 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 चल, कहानी आया दीन साबित कर। तो जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है ना? तू झूठ आज आकर मैं गाले गलत किया। आराम से बोल, आराम से, आराम से, आराम से, घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबराओ मत, आराम से। तू घबरा रहा है ना? अगर जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है ना? सुन, अगर मैं तारीफ गलत किया तो मैं तारीफ मेरे गलत का साबित कर। मैं कह तो रहा हूँ जो झूठ बोले वो उस पर अल्लाह की लानत होती है ना? अरे मैं कहा जो हुजूर की माँ बहन झूठी निस्बत करे उस पर अल्लाह की लानत होती है ना? माँ बहन नहीं होता, माँ बहन होता। अबे माँ बहन ही बोल रहा हूँ जाहिल। हुजूर के माँ बहन जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत होती है ना? माँ बहन होता है, माँ बहन नहीं होता। अबे हाँ बे जाहिल, तू कान में तेल डाल अपने। जो खिलखिलाकर हंसता है उसके दिल मुर्दार होते हैं, हुजूर की हदीस है। हाँ देखिए, सामने का हुजूर की हदीस को नहीं मान रहा है। हुजूर ने फरमाया जो खिलखिला करके दांत दिखा के हंसे उसके दिल मुर्दार होने की दलील है। ईद मिलादुन नबी साबित करो। मैं साबित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। खामोश हो जा, खामोश हो जा। पहले बता कि जो हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम करे। बोल पहले बोल, इस हदीस को मानता है कि नहीं? रजा खानी के ऊपर बेशुमार लानत। देखिए सामी निगराम, मैं कहता हूँ ना, वहाबियत के अंदर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो सलीके से मुझसे बात कर सके। जब से मैंने इसको कॉल किया है बिल्कुल ऐसा बौखला गया, ऐसा बड़बड़ा रहा है। देखिए ये कहते हैं हम हदीस पर अमल करते हैं, बार बार इसको हदीस सुना रहा हूँ कि जो खिलखिलाकर हंसता है उसके दिल मुर्दार होते हैं। तो हंसे जा रहा है, पहले तू हंसा। मैंने तो तुझे चिढ़ाया कि तू हंस रहा है उस तरीके से, मैं तुझे चिढ़ा रहा हूँ। मैं तुझे भी चिढ़ा रहा हूँ। हंस तो तू रहा है, मैं तो हंसा नहीं। शुरुआत तो तूने हंसने की करी, मैं तुझे चिढ़ा रहा हूँ। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जो खिलखिलाकर हंसता है उसके दिल मुर्दार होते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। तो मुर्दे इंसान हुजूर की हदीस को नहीं मान रहा है, सुनता ही नहीं है। चलो मैं मेरे बीच में मत बोलना, मैं सुन रहा हूँ। पूरा हाँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मुफ्ती यार खान नईमी अपने जाल हम किताब में लिखा है, ये जो है ईद मिलाद नबी बिदअत है। अब उनको पर हुक्म लगाओ अपने मुफ्ती को पर ना, मैं स्कैन भेज दूंगा, ठीक है? चलो अब खामोश हो जाओ। बोलो बोलो। दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने अगर हलाली बच्चा पैदा किया है, कर रहा है
तो ये मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल जो तूने पेश किया है कि मीद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, तो उन्होंने किसका कॉल पेश किया है? अगर उनका कॉल कोई साबित कर दे तो अल्लाह की कसम 1,00,000 का इनाम दूंगा, नहीं तो झूठे मक्कार पे अल्लाह की लानत। तो आमीन 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 आमीन। अब सुन मेरी बात सुन तेरी बात सुना ना मैंने, तेरी बात पूरी सुना ना मैंने, तेरी बात सुना ना मैंने, मुकम्मल सुन ले। बोल। हाँ, मुफ्ती यार खान नईमी जो बोला दूसरी या तीसरी सदी से जो इजाद की है बिदत कहा है, क्या ये मुफ्ती को पता लाना तो करेगा? चलो मैं बोलूँ, बोल। पहली बात तो मैंने बोला कि अगर तूने ये साबित कर दिया कि मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का अपना निजी कॉल है, तो मैं खुदा की कसम 1,00,000 का तुझे इनाम दूंगा, नहीं तो झूठों पर अल्लाह की लानत। आमीन। दूसरी बात, यही चीज इमाम तिर्मिजी ने अपनी जामे तिर्मिजी के अंदर बाप कायम किया, माजा भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भागना नहीं माजा भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर की पैदाइश की खुशी में इमाम तिर्मिजी के ऊपर हुक्म लगा। इमाम तिर्मिजी जो है ना वो विलायत का बाप माने ना कि मिलादुन नबी का बाप माने। अबे जाहिल, इसका माना क्या हुआ? अबे इसमें हदीस से कौन सी लाए? देखिए सामी निगराम भागा सामी निगराम। देखिए माजा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाप कायम किया, माजा फी यानी हुजूर की खुशी पैदाइश की खुशी में मर गया। हाँ, अब रही बात इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह जो बाप बाने हैं वो विलायत के बारे में बाने, इसका कौन इनकार कर रहा है? रही बात ईद जो आज जो आप लोग बना रहे हो ईद मिलादुन नबी के नाम से, ये कहाँ साबित है? जैसे माना क्या होता है, अच्छा ईद का मतलब ईद का माना 12 रबीउल जो मना रहे तुम मिलाद नबी, इसकी नमाज कब है बताओ? अच्छा चलो, ईद उल फितर की नमाज है। चलो ठीक है, टाइम बताओ। ठीक है। ये जो ईद है ये कौन सी ईद है, वाजिब है, फर्ज है या मुस्तहब है? तुम जानो क्या बनाया। अबे जाहिल के बच्चे, ईसा अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया कुरान में, ए अल्लाह हमें जन्नत से दस्तखान उतार ताकि हम उस दिन को ईद मनाए, तो ईसा अलैहि सलाम ने कौन सी नमाज पढ़ी थी ईद में? देखिए मर गया वहाबी, कुरान से दलील दे रहा हूँ। ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया ए अल्लाह तू जन्नत से हमारे लिए दस्तखान उतार ताकि हम उस दिन को ईद का दिन मनाए, तो जिस दस्तखान को उतारने में ईसा अलैहि सलाम ईद मना रहे हैं तो हुजूर की पैदाइश पर ईद मना लिया, तो वहाबी के पेट में मरोड़ हो रहा है। ईसा अलैहि सलाम पे फतवा लगा कि जन्नत से दस्तखान उतारने पर ईद मनाई जाती है? आयत नंबर बता। नहीं पता, वहाबी को नहीं बताते हम। आयत नंबर बता, वहाबी को नहीं बताते हम। इतना जाहिल है, इसको ये नहीं पता कुरान के अंदर लिखा क्या है। अच्छा सुन। दूसरी हदीस। नहीं, वहाबी को नहीं बताते हम। वहाबी को नहीं बताते। ये आयत अगर सही होगी तो तू ईद मनाएगा फिर? नहीं, तू बता ना उसमें क्या बात है। वही यही है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है ईसा अलैहि सलाम ने, अल्लाह तू जन्नत से दस्तखान उतार ताकि हम उस दिन को ईद का दिन मनाएं। आयत नंबर बता, नहीं बताते हम वहाबी को। वहाबी को नहीं बताते। शामिल इकराम अपने आप को गैर मुकल्लिद कहता है और मेरे से आयत मांग रहा है, मेरा मुकल्लिद बनता है। जाहिल है, ये दलील पेश कर रहा है। वो दलील हम तुम्हारी दलील यूट्यूब पर तुम्हारी रिकॉर्डिंग के साथ लगा देंगे। अब सुनिए, सुनो आगे हदीस सुन, वहाबी तीसरी हदीस सुन, मेरी बात भी सुनना। तीसरी हदीस सुन, नहीं बोल रहा है ने अपने घर में पैदाइश जिक्र हुजूर अलैहि सलातो वसलाम का जिक्र करना शुरू किया, सहाबा की जमात वहाँ बैठी थी, सहाबा ने भी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, इतने में हुजूर अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरी शफाअत तुम पर वाजिब हुई क्योंकि हजरत अब्बास ने मेरी पैदाइश का जिक्र किया और तुम्हें सुनाया।
नबी अलैहि सलातो नबी अलैहि सलातो मर गया वहाबी मर गया मर गया वहाबी मर गया मर गया वहाबी मर गया अलैहि सलाम की पैदाइश का खबर दिया हुजूर अलैहि सलातो सलाम की पैदाइश का जिक्र किया हजरत अब्बास ने महफिल सजाई अपने घर में ना कहा आज कौन हदीस हदीस बता हदीस नंबर नहीं पता नहीं मालूम नहीं मालूम देखिए करते नहीं है और जहालत फैलाते हैं ये है अहलुल हदीस अकबर ये है अब इसको मैंने साबित कर दिया कि मिलादुन नबी दीन का हिस्सा है क्योंकि इमाम तिर्मिजी ने माजाफी मिलादुन नबी जो बाप बनाया है माजाफी मिलादुन नबी यानी हुजूर की पैदाइश की खुशी में इमाम तिर्मिजी ने यहाँ पे जो खुशी का लफ्ज लिया है इसका माना होता है ईद इसका माना होता है कि जो बाप बाना है विलायत के बारे में हदीसे कौन सी लाए हदीसे कौन सी लाए क्यों बाना बाप उन्होंने जब मिलाद नबी साबित ही नहीं था अरे जब मिलाद मनाना साबित नहीं था तो बाप क्यों बांधा में जाहिल सलाम को विलायत नहीं बोलने देगा नहीं बोलने देगा नहीं बोलने देगा नहीं बोलने देगा मैं कह रहा हूँ हुजूर अलैहि सलातो सलाम का जब मिलाद वजूद में था ही नहीं तो इमाम तिर्मिजी ने बाप क्यों बांधा में जाहिल नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया हजरत अब्बास ने महफिल क्यों की हजरत अब्बास ने महफिल क्यों की अपने मन से कोई दिन को ईद करार मत दो ठीक है तो अब तू अपने मन से ईद करार हदीस पूरी पर हदीस पर झूठ बोल रहा है हदीस पर झूठ बोल रहा है हदीस पूरी पर हदीस पूरी पर हदीस पूरी पर ये मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक की हदीस है पूरी पर उसका मतन पर मतन पर इसके रावी पर इसके रावी पर इसके रावी पर बुखला के अंदर एक रावी है अत्ताउस अबे जाहिल अत्ताउस वहाबी के नजदीक ज़ईफ है गधे की औलाद ज़ईफ है हाँ तुम्हारे नजदीक अत्ताउस तुम्हारे नजदीक अच्छा दूसरी चीज है कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो ईद है लेकिन हुजूर ने इस हदीस को खुद मंसूख कर दिया हुजूर ने जब जुमा ईद कहा तो ये हदीस मंसूख हो गई हुजूर ने फरमाया जुमा तुम्हारे लिए ईद है तो ये हदीस मंसूख हो गई मुकम्मल बात सुन ले पूरी मुकम्मल अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमा तुम्हारे लिए ईद है तो ये हदीस मंसूख हो गई मर गया वहाबी सुनो पहले बात अब मैं बताता हूँ चलो 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 अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलादुन नबी करार दे दिया आज़ाफी मिलादुन नबी आज़ाफी मिलादुन नबी ना अब रही बात अपने मन से रजा खान की तीन ईद हो गई ना हदीस में दो ईद है ईद मनाए उन्हें जो जो अभी जो अपने मन से ईद करार दे रहे हैं दिन को ईद करार दे रहे अपने मन से तो ये साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालिफत कर रहा है माज़ल्लाह नबी की बात अब मुझे बोलने दो अब मुझे बोलने दो खामोश हो जाओ देखिए शामिल निगराम अब खामोश हो जाओ ना बोलने देना देखिए शामिल निगराम उसने जो हदीस पढ़ी ना उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईद और बकरीद के अलावा कोई तीसरी ईद ना बनाओ अल्लाह के रसूल ने खुद जुमा ईद कहकर तीसरी ईद बना के इस हदीस को मंसूख कर दिया चुप चुप पूरी बात सुन साला झूठ बोल रहा है इस पे अल्लाह के रसूल लगा दूंगा आवाम को लगा दूंगा आवाम को लगा दूंगा आवाम को लगा दूंगा अभी हदीस इस हदीस में जो रावी है अत्ताउस पहले हदीस के नजदीक वो ज़ईफ है बुखारी दूसरी चीज सुन रावी है रे बुखारी दूसरी चीज सुन दूसरी चीज सुन दूसरी चीज सुन दूसरी चीज सुन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुनेगा नहीं सुनेगा नहीं दिल की तरह बात नहीं है अपने मन से ईद करार मत दो दो ईदों के अलावा तीसरी ईद करार मत दो जाहिल के बच्चे पूरी हदीस पर हदीस कहाँ एक मिनट मैं अभी दो हदीस के अलावा तीसरी ईद करार अपने मन से ना दो और हुजूर ने फरमाया कि जुमा तुम्हारे लिए ईद है तो इस हदीस को मंसूख कर दिया इमाम तिर्मिजी ने जो बाप बांधा है माज़ाफी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी हुजूर की पैदाइश की खुशी में तो खुशी का माना होता है ईद इमाम तिर्मिजी ने खुद ईद मनाई बाप कायम करके और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपने घर में मिलाद की महफिल रखी हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का बयान किया सहाबा ने दुरूद पढ़ा हुजूर ने फरमाया तुम पर मेरी शफात वाजिब हो गई मर गया जाहिल वहाबी मर गया जाहिल वहाबी मर गया जाहिल वहाबी मर गया तो सामिन इकराम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि इसका झूठ पकड़ना और जाहिर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इतना बड़बड़ाते हैं कि सामने वाले को मौका नहीं देते बोलने का। देखिए इसने जो मुसन्नफ़ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक की हदीस लगाई ना और हालांकि इसमें जो रावी हैं इब्ने अत्ताउस क्या ये लोग जब फंसते हैं किसी मदद के वसीले की हदीस पर तो इन रावी के ऊपर ये लोग जरा लगाते हैं कि ये ज़ईफ़ हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं और उसी रावी से ये खुद जब हदीस पेश करते हैं जब फंसते हैं तो इनके लिए जायज़ हो जाता है। अब देखें चले बहर कैफ अब ये जो हदीस इसने पेश करी है ये इसने टाइपिंग में पेश करी है मैं इसका ओरिजिनल स्कैन लगा रहा हूँ आप देखें
सबसे पहले इसका बाब देखें, यह है मुसन्नफ़ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक की हदीस। इसका बाब है, बाब क्या है कि हुरमत के महीने में रोज़ा रखने के ताल्लुक से बाब है ये, कि हुरमत के महीने में रोज़ा रखने। अब हुरमत का महीना क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो यहाँ पर फरमाया कि तुम अपनी तरफ से किसी महीने को ईद या किसी दिन को ईद ना बनाना। अब ठीक इसके नीचे जो है इसका खुलासा है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रजब के महीने में कुछ लोग रोज़ा रखते थे, तो रजब के महीने में रोज़ा रखने से मना किया ताकि तुम इस महीने को ईद ना बना लो, और इसके इस तरीके से ईद ना बना लो जैसे रमज़ान के महीने में ईद बनाई जाती है रोज़ा रखने के बाद, ठीक है ना। तो ना इस महीने को ईद बनाओ, ना इसके कोई दिन मखसूस करके ईद मनाओ। तो इस ताल्लुक से ये हदीस आई है, यानी ईद जो हम मनाते हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो ये हमारे लिए क्या है, खुशी का दिन है, ठीक है ना। तो ये खुशी का दिन क्या है, एक तो रमज़ान के महीना उसके रोज़े रखने की खुशी में ईद, और दूसरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है क़ुरबान नहीं हुए, क़ुरबानी नहीं हुई, अल्लाह ने दुम्बा भेजा उसकी खुशी में ईद। तो ये दो ईदों की तरह तुम ऐसी ईदें ना बना लेना, यानी वाजिबात पे जो दलालत करती हो, ठीक है ना। तो अब इस हदीस को इसने फिट किया मुस्तहब अमल की खुशियों में, इतने बड़े जाहिल हैं। अब देखें इसी के ताल्लुक से ये हदीस मनसूख भी हुई, वो कैसे हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुम्मा तुम्हारे लिए ईद का दिन है, ठीक, क्यों, क्योंकि जुम्मा की फजीलत इतनी है उस दिन की कि उसको अल्लाह के रसूल ने ईद का दिन बताया। तो ये ईद क्या है, ये मुस्तहब ईद है, इसमें रोज़ा नहीं रखा जाता, अगर किसी ने रख भी लिया तो कोई गुनाह नहीं है ईद के दिन। अब ये जाहिल कहते हैं कि जुम्मा ईद है तो क्या कहते हैं हुजूर ने फरमाया तो इस दिन अगर तुम रोज़ा रखोगे तो सवाब भी मिलेगा और नहीं रखोगे तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो जुम्मा तुम्हारे लिए ईद का दिन है, हुजूर ने फरमाया, तो यहाँ से पता ये लगा कि जुमे हर जुमे को जो हुजूर ने वाजिबात को छोड़ करके खुशी वाली ईद को छोड़ करके जिस ताल्लुक से जुमा फरमाया उस दिन को ईद में रोज़ा रख भी सकते और नहीं भी रख सकते। अब देखिए इसी हदीस को मनसूख कैसे किया गया, एक तो हुजूर ने फरमा दिया कि जुमा तुम्हारे लिए ईद है, तो इस हदीस से अगर ये मुस्तहब लेते हैं तो ये हदीस ज़ईफ क्या कहते हैं मनसूख मानी जाएगी, ठीक। तो इनको हदीस मनसूख का नहीं पता, ऐसे ऐसे ये जाहिल हैं। अब देखिए ये मुसन्नफ़ इब्ने अभी शैबा की हदीस मैंने आपके आगे लगाई है, इसमें हज़रत मुगीरा बिन शाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब हज का अमीर बनाया गया तो उन्होंने क्या किया कि इस दिन को बतौर खुशी यानी ईद मनाया, ईद की तरह ऐसी खुशी मनाई। तो अब बताइए कि जब उनको अमीर बनाया गया तो वो ईद का दिन उस दिन को मना लें, और उनकी खुशी में जो शामिल हो वो भी ईद मना लें, और उनकी खुशी में जो शामिल ना हो उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं। तो इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को हम खुशी मना लें, और जो ना उसमें शामिल हो लेकिन अगर वो बकवास ना करे तो उसकी पकड़ नहीं, ना शामिल हो किसी वजह से तो उस पर कोई हुक्म नहीं। तो ये जाहिलों ने ना हदीस पढ़ी है और ना कुरान पढ़ा है। अब देखें कुरान की आयत मुझसे पूछेगा, ये पूछ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो ये दुआ की, ये देखिए सूरह मायदा की आयत है और ये आपके सामने मैंने लगा दी है। अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तो जन्नत से हमारे लिए दस्तखान उतार ताकि उस दिन को हम ईद का दिन मनाएं, बतौर ईद यानी खुशी मनाएं। अब ये आयत इन लोगों को नज़र नहीं आती, ये मुझसे मांग रहा है, बताइए अपने आप को अहले हदीस कहता है तो हदीस इनको हम दें, आयत इनको हम दें तो हम क्यों दें भाई, तुम तो अहलुल हदीस हो ना। तो ये देखिए ये जाहिलों की कौम है, ऐसे जाहिल हैं कि दस्तखान उतारने पर ईसा अलैहिस्सलाम उस दिन को ईद का दिन मना रहे हैं, ठीक है, उनके जो उनकी उम्मत है वो ईद का दिन मना रही है, तो हुजूर की पैदाइश में अगर हम ईद का दिन मनाएं तो इनको बड़ी मिर्ची लग रही है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इस तरीके से हदीसों को काट छाट के ये पेश कर रहे हैं।